एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उसी तालाब में दो हंस तैरने के लिए उतरे थे। हंस बहुत हंसमुख और मिलनसार थे। कछुए और उसमें दोस्ती होते देर न लगी। हंसों को कछुए का धीमे धीमे चलना और उसका भोलापन बहुत अच्छा लगा। हंस बहुत ज्ञानी भी थे। वे कछुए को अद्भुत बातें बताते, ऋषि मुनियों की कहानी सुनाते। हंस तो दूर दूर तक घूम कर आते थे, इसलिए दूसरी जगहों की अनोखी बातें कछुए को बताते। कछुआ मंत्रमुग्ध होकर उसकी बातें सुनता। बाकी सब ठीक था, पर कछुए को बीच बीच में टोका टाकी करने की बहुत आदत थी। अपने सज्जन स्वभाव के कारण हंस उसकी इस बात का बुरा नहीं मानते थे। उन तीनों की घनिष्ठता बढ़ती गई। दिन गुजरते गए। एक बार बड़े जोर का सूखा पड़ा। बरसात के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा। उस तालाब का पानी सूखने लगा, प्राणी मरने लगे। मछलियां तो तड़प तड़प कर मर गई। तालाब का पानी और तेजी से सूखने लगा। एक समय ऐसे भी आया कि तालाब में खाली कीचड़ रह गया। कछुआ बड़े संकट में पड़ गए। जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। वहीं पड़ा रहता तो कछुए का अंत निश्चित था। हंस अपने मित्र पर आए संकट को दूर करने के उपाय सोचने लगे। वे अपने मित्र कछुए को हिम्मत ना हारने की सलाह देते। हंस केवल झूठा दिलासा नहीं दे रहे थे, वे दूर दूर तक उड़कर समस्या का हल ढूंढते। एक दिन लौटकर हंसों ने कहा, मित्र यहाँ से 50 कोस दूर एक झील है, उसमें काफी पानी है, तुम वहाँ मजे से रहोगे। कछुआ रोनी आवाज में बोला, 50 कोस? इतनी दूर जाने में मुझे महीनों लगेंगे, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। कछुए की बात भी ठीक थी। हंसों ने अकल लड़ाई और एक तरीका सोच निकाला। एक लकड़ी उठाकर लाए और बोले, मित्र हम दोनों अपनी चोच में लकड़ी के सिरे को पकड़कर एक साथ उड़ेंगे। तुम इस लकड़ी को बीच में से मुंह में थामे रहना। इस प्रकार हम उस झील तक तुम्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी, पर याद रखना उड़ान के दौरान अपना मुंह ना खोलना, वरना गिर पड़ोगे। कछुए ने हामी में सिर हिलाया। बस लकड़ी पकड़कर हंस उड़ चले। उनके बीच में लकड़ी मुंह दबाए कछुआ वे एक कस्बे के ऊपर से उड़ ही रहे थे कि नीचे खड़े लोगों ने आकाश में अद्भुत नजारा देखा। सब एक दूसरे के ऊपर आकाश का दृश्य देखने लगे। लोग दौड़ दौड़ कर अपने छज्जों पर निकल आए, कुछ अपने मकानों की छतों की ओर दौड़े, बच्चे बूढ़े औरतें और जवान सब ऊपर देखने लगे। खूब शोर मचने लगा। कछुए की नजर नीचे उन लोगों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें इतने लोग देख रहे हैं। वह मित्रों की चेतावनी भूल गया और चिल्लाया, देखो कितने लोग हमें देख रहे हैं। मुंह के खुलते ही वह नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरते ही हड्डी पसली का भी पता नहीं चला। दोस्तों कहते हैं कि हमें एक हद तक ही बात करनी चाहिए। हद से ज्यादा बात करने वालों को बातूनी कहते हैं, और अगर आप हद से ज्यादा बात करते हैं तो आपकी ज्यादा बात करने की आदत कहीं आपको परेशानी में ना डाल दे। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।